हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको 2 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार की कटिंग बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो मैंने यहाँ पे 9 इंची की बेल्ट निकाली है, इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है लंबाई में, और इसको मैं कट कर दूंगी। हमें पहले बेल्ट निकालनी है। अगर हमारा सूट का कपड़ा बचता है तो हम सूट में से बेल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सूट का कपड़ा नहीं बचाता तो मैं इसमें से ही बेल्ट निकाल रही हूँ। तो इसको मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। हमने मोहरी के लिए 4 फोल्ड रखा है, और हमारा खुला हुआ साइड बाहर की साइड है, और इसकी मैं लंबाई नापूंगी। तो लंबाई हमारी रहेगी, म्यान बेल्ट की लंबाई रहेगी 6.5 इंच, और हमारी लंबाई है सलवार की 40 इंच। तो हमने 6.5 इंच का बेल्ट निकाल दिया है, 33 इंची की सलवार रखी है। तो हम 4 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे अंदर की फोल्ड के लिए, जहां हमारी मोहरी बनती है। हम मोहरी इसी में अटैच करेंगे, और हम यहां पे म्यानी रखेंगे 10 इंची की, और हम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम म्यानी रखेंगे 10 इंच। और यहां से हमने जो म्यानी का निशान लगाया, और हमने यहां कोने पे दोनों निशानों को मिला देंगे। तो हमने यहाँ निशान मिला दिए हैं, और इसको मैं जो हमारे निशान लगे हुए हैं इसी पे हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही कम समय में आपको सलवार की कटिंग बताई है। आप लोग एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं हमारी सलवार की कटिंग कैसी लगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमने ये सलवार कटिंग कर दी है, और हम जो हमारा साइड है इसको हम कटिंग कर देंगे बीच में से। ये हमारी कली है सलवार की। तो हमने दोनों कली कट कर दी हैं, और हमने इसको एक बराबर करते हुए जो हमारी म्यानी की साइड है एक साइड, उसको भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार कट चुकी है। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको सलवार की कटिंग बताई है कम समय में, और हमने बेल्ट पहले कटिंग कर ली थी। तो ये हमारी बेल्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मिले।